नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साम। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दुमका में कोयले की बढ़ती कालिख के बीच आंदोलन की आंच भी तेज होती जा रही है। दुमका रेलवे स्टेशन में कोयले की डंपिंग यार्ड से रेक लोडिंग और अनलोड के मुद्दे पर स्थानीय लोगों के आंदोलन में रविवार को बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला रेक लोडिंग पॉइंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग करीब एक महीने से आंदोलनरत है, लेकिन इस मामले का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घनी आबादी के बीच कोयला रेक पॉइंट की वजह से लगातार प्रदूषण फैल रहा है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है, सड़क जाम किया है। स्थानीय लोगों के आंदोलन को आज झारखंड की पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेत्री डॉक्टर लुईस मरांडी का भी समर्थन मिला और लुईस मरांडी ने स्थानीय लोगों की मांगों को जायज ठहराया। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जल्द से जल्द इतना जल्द हो, क्योंकि हम लोग जब काम स्टार्ट हुआ था तभी से हम लोग ने एनजीटी का भी दरवाजा खटखटाए हैं और एनजीटी में भी इसका मामला चल रहा है, वहाँ से भी इसका स्टे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एनजीटी को आदेश पे लोग अपना एकदम पैर तरे कुचलते हुए ये लोग अपना एकदम स्टार्ट कर दिए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना से जल्द हो यहाँ से दूसरे जगह ये लोग अपना रेल ट्रैक को शिफ्ट करें, नहीं तो हम लोग अब चक्का जाम रेल को करेंगे। बस बंद करो जी, बंद करो, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ जितने भी ग्रामवासी तमाम छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं आपके स्कूली बच्चे उनका भी ड्रेस गंदा होता है और चलने में इतना दिक्कत यहाँ से हम लोग हटाया जाए। टेलर एक यहाँ से हटाना चाहिए, ये तो अभी थोड़ा टेलर है, फिल्म बागी अगर नहीं हटाया जाता तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। के लोगों से चूक हुआ है, आप जिस इलाके में काम करते हैं, काम करने वाले हैं, वहाँ के लोगों की भावनाओं को, वहाँ के लोगों का जो हित अहित ये देखते हुए वहाँ के लोगों से कम वार्तालाप करना चाहिए था और एक बार नहीं कई कई बार वार्तालाप करना चाहिए था। यहाँ के लोग कोयला यहाँ से सप्लाई नहीं हो, मतलब जहाँ से कोयला आ रहा है उसका विरोध ये लोग नहीं कर रहे हैं, कोयला यहाँ से नहीं जाए उसका विरोध ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं कि इस स्टेशन से जहाँ पर स्टेशन का बाउंड्री और जनता का बाउंड्री सटा हुआ है और आम घना आबादी के बीच में मेन स्टेशन से कोयला नहीं, कोयला का रेक यहाँ से चालू हो नहीं हो ये डिमांड कर रहे हैं। मुझे लगता है डिमांड इसका जायज है, आ ही रहे होंगे, हमारी बातें वो भी सुन ही रहे होंगे। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग काम को बाधित नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षा देना चाहते हैं। बाकी प्रशासन के पदाधिकारी, कंपनी के पदाधिकारी, अन्यत्र अगर कोई स्थान मिलता है, जगह मिलता है तो एक दूसरा जगह का चिन्हितीकरण का काम करें, तो मुझे लगता है शायद आपका काम में भी बाधा नहीं होगा और लोगों का जीवन में भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।